स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी बेशक ये है, लेकिन संतों के बारे में कहा जाता है कि वो शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन कण कण में शामिल हो जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से, वो बहुत ही केयरलेस शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को कभी प्लेन छूटने का या ट्रेन छूटने का डर सताता है, तो जहाज से वो जा रहे थे और जहाज छूट जाएगा इससे डरकर एक अमेरिकन भक्त था उनका, उसने कहा कि स्वामी जी आपको समय का कोई विचार नहीं है, आपको डर नहीं लग रहा जहाज छूट जाएगा? तो उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक कहा था, नहीं, तुम समय में जीते हो, हम अनंत में। तो इस अनंत को समझना बहुत जरूरी है, जो स्वामी विवेकानंद का अनंत है, समय से अतीत। हम समय को क्या मानते हैं? समय हमारे लिए काम करने का करने की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें एक टाइमलाइन पता होती है, हमें पता होता है इतनी देर में ये काम करना है आपको, जैसे आर्टिकल सबमिट करना है, आज एक फला तारीख है तो ये करना है। और उससे क्या मिलेगा कि चिंताओं में फिर हम लग जाते हैं कि ये कितना अच्छा आर्टिकल होगा, ये कब तक पूरा हो पाएगा, इसके कितने हिट्स लगेंगे। जो कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेशु कदाचन, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गीता जो है वो जीवन का सार है। उन्होंने गीता का भाषा टीका लिखा और उसमें उन्होंने अनासक्ति पर बड़ा जोर दिया। अनासक्ति से उनका मतलब ये था कि आप काम करते चलिए और उससे आपको क्या मिलेगा, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन सिर्फ भाषणों तक या लिखने तक सीमित नहीं है, उन्होंने इन सारी चीजों को खुद में ढाला भी, आजमाया भी। हालांकि महज 39 साल यानी 39 ईयर्स की एज में वो हमारे बीच नहीं रहे थे, लेकिन 39 तक की एज तक उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण काम कर दिया। उनके बारे में कुछ बातें जानने जैसी हैं, जैसा पहला ये कि रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात बड़ी छोटी उम्र में हो गई थी, वो किशोरावस्था में थे, 14-15-16 साल के रहे होंगे, आना जाना शुरू हो गया था। उससे पहले बड़ी ईश्वर है कि नहीं है को लेकर उनके मन में उहापोह चलती रहती थी, मूर्ति पूजा को लेकर उस वक्त अलग अभियान चल रहे थे, तो उनके दिमाग में चलता था ये भगवान है तो कैसा है, किसी ने कभी भगवान देखा है कि नहीं देखा है। तो उन्हें पता लगा कि एक रामकृष्ण परमहंस है दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी, जिनका दावा है कि उन्होंने देखा है। तो उनसे मिलने गए, उन्होंने पूछा क्या ठाकुर आपने देखा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। तो ऐसे करके उन्हें पहली बार कोई व्यक्ति मिला था जिसने ये पूरे कॉन्फिडेंस और दावे से कहा था कि मैंने ईश्वर को देखा है। उसके बाद ईश्वर क्या होता है, उसकी सही परिकल्पना क्या है, वेदों में ईश्वर को किस तरह से बताया गया है, सनातन परंपरा में किस तरीके से बताया गया है, इसका प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में किया। जब वो 24 वर्ष के थे तभी उनके गुरुदेव का देहांत हो गया था। उसके बाद बड़े संकट उनके निजी जीवन में भी आए और उनके 10-12 भक्त थे। रामकृष्ण मिशन आज बहुत बड़ा मिशन है, रामकृष्ण परमहंस को हम सब जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो बहुत ही दरिद्रता का जीवन जीते थे या बहुत लोग उनको जानते नहीं थे या ऐसे बड़े आश्रम और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़े हुए नहीं थे। उनका सम्मान अलबत्ता उस जगह पर था, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की अपनी प्रतिष्ठा थी और वहां पर रामकृष्ण परमहंस को मानने और पूजने वाले लोग भी थे, लेकिन जहां तक भक्तों का सवाल है तो कुछ 10-12 भक्तों को रामकृष्ण परमहंस ने अपने पास जगह दी थी, जिनको वो ध्यान, योग, समाधि आदि इत्यादि के प्रयोग करवाते थे। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद उनके प्रिय शिष्य थे, उनसे बड़ी उम्मीदें रामकृष्ण परमहंस को थी और उन्होंने आगे जाकर रामकृष्ण परमहंस के सपने को पूरा भी किया। फिर वो निकले अभियान की तरह, वो देश भर में घूमते रहे। उसको वो कहते थे कि सन्यासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि 3 दिन से 1 दिन भी ज्यादा एक जगह पर ना रुके। तो वो हिमालय की और कई जगहों की यात्राएं करते रहते थे और इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने अलग अलग जगह के राजाओं से या जो भी सक्षम लोग थे उनसे संपर्क किया, उन्हें कहा कि वो आश्रमों को स्थापित करने में मदद करें। युवा उनसे बहुत प्रभावित थे उनकी बातों से। वेदांत का, अद्वैत का खास तौर पर, अद्वैत यानी अद्वैत दर्शन का मतलब होता है दूसरा कुछ नहीं है, सब एक है, चाहे प्रकृति में जो प्राण तत्व
तत्व है, हम में जो प्राण तत्व है, वो सब एक ही है। जब इतने ऊंचे विचार पर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंसान इंसान में तो भेद करना बंद ही कर देते हैं। तो धर्म समाज इन मर्यादाओं से और इनके अनुशासनों से ऊपर उठकर उन्होंने वेदांत की बात कही और इसे सर्वधर्म बताया। इसीलिए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रायोगिक वैश्विक धर्म है, इसका वो प्रचार इसलिए करते रहे। वो कहा जाता है कि हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन हिंदू धर्म से उनका तात्पर्य था वो सनातन परंपरा जो सारे मानव मात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद ने इस तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने जितने वेदांत थे या फिर उपनिषद थे उनके भाषा टीका लिखे, पतंजलि योग सूत्र का भाषा टीका राजयोग के तौर पर लिखा, भगवद गीता का भाषा टीका उन्होंने लिखा। भाषा टीका का मतलब है इनको अपने अर्थों में समझाया, पहले खुद समझा पढ़ा और इसमें क्या सार तत्व समझाने की कोशिश की गई है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो उन्होंने रखने की कोशिश की। बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद ने कही है, और जैसे वो कहते थे कि कोई भी मत जो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता देता है अच्छा है, धर्म ईश्वर की प्राप्ति है। नास्तिक उदार हो सकता है पर धार्मिक नहीं, परंतु धार्मिक मनुष्य को उदार होना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने लोगों के बारे में कही। वो हम धर्म को बहुत ही छोटे दायरे में समझते हैं। हम समझते हैं क्या पहनना, क्या होना, क्या खाना, क्या पीना, किस तरह से पूजा करना, इसको हम धर्म समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जरा इससे ऊंची बात करते हैं और यही वेदांत भी कहते हैं। वो कहते थे कि धर्म इससे ऊपर है। धर्म के मायने ये हैं कि हम किस तरीके से स्वयं को जानते हैं, मानव मात्र इस धरती पर क्यों है, पशुओं से हम कैसे अलग हैं, या फिर पशुओं पेड़ों और हम में भी एक ही प्राण तत्व कैसे चलता है या एक ही जीवन कैसे होता है। इन तमाम चीजों को वो अपने जीवन में रखते रहे। अस्वस्थता ने उनको अंतिम समय में घेरा था और विदेश यात्राओं में 24 वर्ष जैसा मैंने बताया कि उनकी उम्र थी जब उनके गुरुजी का देहांत हुआ, उसके बाद ज़्यादातर समय उनका यात्राओं में बीता और इन्हीं यात्राओं के दौरान कई रोगों से भी वो पीड़ित रहे, शरीर का ध्यान नहीं देते थे। फिर कोलकाता में ही अपने आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, अपने शरीर को त्यागा था, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। एक बिल्व का पेड़ उन्हें बड़ा पसंद था, उसी बिल्व के पेड़ के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उस जगह पर आज भी स्वामी विवेकानंद का एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ उनकी कोई प्रतिमा नहीं है बल्कि ओम का एक चिन्ह लगाया गया है प्रतीक स्वरूप। और आज भी वो अपने विचारों से युवाओं के जहन में हमारे बीच उपस्थित हैं और स्वामी विवेकानंद आगे भी रहेंगे। चाहे भारतीय राजनीति हो, भारतीय अध्यात्म हो, युवाओं का मोटिवेशन हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत छोटे समय में बड़ा काम किया है और इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ज़्यादा नहीं, अगर मेरी तरह 50-100 लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1902 में शायद उनकी उनका देहांत हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक वो 100 लोग हम इकट्ठा नहीं कर पाए। ये बड़ी समस्या की बात है।